हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 33 की। आई होप कि आप लोगों ने डे 32 तक के क्वेश्चंस किए होंगे और सॉल्यूशन भी देखा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बट सॉल्यूशन के थ्रू आप लोग बहुत सारी लर्निंग कर लोगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे। ठीक है, तो ये जीपी सीरीज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ना आराम से, बट इसको कराने से पहले मैं आपको होमवर्क 32 के आंसर बता देता हूँ। तो इसमें दो क्वेश्चन मैंने दिए हुए थे। फर्स्ट था आपका ए, इसमें है आपका सी ऑप्शन करेक्ट। और सेकंड था न्यूमेरिकल आंसर, तो इसमें आपका है 500 मीटर आएगा। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। फिर भी नहीं किया है तो ग्रुप्स में डिस्कस करो, जो भी आपके और ग्रुप्स हैं उसमें डिस्कस करो और समझो चीजें कैसे चल रही हैं। ठीक है, 33 पे चलते हैं अब हम। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में एक क्वेश्चन लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है, एक एग्जाम्पल। ठीक है, या सॉरी, सो ये क्वेश्चन को आपको पढ़ना। इफ ईच टर्म, ईच मतलब प्रत्येक, ठीक है, टर्म ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज थराइज द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट, देन व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाओ इंपॉर्टेंट। वैसे ही मैं जितनी भी सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट चीजें ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो या एक सेकेंड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ कि हो रहा है कि नहीं। या हो रहा है, सो इसको इम्पोर्टेंट कर लो आप। सबसे पहले मैं अगर आपको लिखूँ ए आर स्क्वायर, आपकी ये सीरीज है कोई भी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट 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 इनफाइनाइट। क्वेश्चन कहना क्या कहना चाह रहा है कि ये आपका इनफाइनाइट सीरीज है, तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सें, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारी सीरीज है। इसमें बोला गया कि ईच टर्म ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज थराइज द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट। ठीक है, जो ईच टर्म है, सपोज करो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी, ईच टर्म थराइज द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट, मतलब इसका आपको निकालना है तो फॉलोइंग टर्म्स का जो सम आएगा उसका थ्राइस हो जाएगा। तो फॉलोइंग टर्म्स का अगर हम सम फाइंड करें इनका, ठीक है, तो ए बराबर आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म है ना, जो फर्स्ट टर्म है जो आपकी, वो है आपकी ए आर, कॉमन रेशियो यहाँ पे भी आपका आर आएगा, तो इसका आप लोग सम फाइंड करोगे, ए आर अपॉन 1 माइनस आर। जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो किसके इक्वल है, थ्राइस ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब किसी के भी लिए कर सकते हो आप इनफाइनाइट एक्चुअली, तो बेसिकली इसमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, किसी और के लिए भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने फर्स्ट टर्म लिया। तो फर्स्ट प्रत्येक टर्म है ना, जो ईच टर्म है ना, वो थ्राइस ऑफ सम है द फॉलोइंग टर्म, मतलब फॉलोइंग मतलब उसको छोड़ देना है, मतलब तुम्हारी फर्स्ट टर्म है तो जो सेकंड से लेकर इनफाइनाइट तक उनका सम करो, उनका थ्राइस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका, यही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू 3 ए आर अपॉन 1 माइनस आर। फर्दर सिंपलीफाई करो, a 1 माइनस आर इक्वल टू 3 ए आर। सो a इक्वल टू, लेट मी इरेज एवरीथिंग, या a माइनस ar इक्वल टू 3 ar। यहां से इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 4 ar, ए से आपका कैंसिल, आर बराबर 1/4। ये आपका आंसर हो गया 1/4। तो आपको समझना है हमेशा ना, मतलब हमेशा आप लोग ये मत देखा करो कि सीरीज मिल गई मेरे को, मैंने आंसर कर दिया। सीरीज मिले ना तो बनाओ,
लाइफ में अगर चीज सामने नहीं है तो उसको बनाओ, उसको अप्रोप्रिएट बनाओ, अपने तरीके से बनाओ और उसको सॉल्व करो। सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप लोग समझना इसको जो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, और सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, फर्दर डिले नहीं करते हैं कुछ भी। यहाँ पे एक पेंडुलम दिया गया है, आप पेंडुलम दैट इज 1 सेकेंड, इसमें क्या पूछा था आपका, कॉमन रेशियो पूछा था, तो कॉमन रेशियो मैंने बता दिया है 1/4। ओके, सो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, पेंडुलम है, एक पेंडुलम है दैट रिलीज टू स्विंग फ्रीली ट्रेवल्स 18 इंचेस ऑन द फर्स्ट स्विंग। ओके, 18 इंचेस करती है फर्स्ट स्विंग में, ऑन ई सक्सेस स्विंग, ठीक है, सक्सेस स्विंग, ठीक है, द पेंडुलम ट्रेवल 80% ऑफ द डिस्टेंस, 80% डिस्टेंस, स्टार्टिंग में 100% फिर 80% हुआ, 80% मतलब 80% आप ऐसे लिखोगे अगर, सॉरी 1 सेकेंड, लेट मी करेक्ट, 80% ऐसे लिखा, तो 80/100, 0 से आपका 0 गया, 8/10 दैट मीन्स 0.8, वैसे भी यहाँ पे 0.8 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट में आपका क्या हुआ, फर्स्ट टाइम पेंडुलन 18 हुआ, बट सेकेंड टाइम पेंडुलन घट गया, 80% हुआ, थर्ड टाइम इस सक्सेशन में फिर 80% और घट रहा है, तो इस टाइप से आपका ये चल रहा है। ठीक है, तो देखो परसेंटेज भी यहाँ पे यूज हो रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस स्विंग, ठीक है, 80% स्विंग कम हो जा रहा है। देखो आप लोग यहाँ पे 1 सेकेंड, फर्स्ट का 80% कम हुआ, इसका फिर 80% कम हुआ, ठीक है, तो आपका ही चलता जाएगा, आपका ही सीरीज चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ पेंडुलम स्विंग, हमें पता नहीं कहाँ तक जाना, ऑन ई सक्सेस पेंडुलम 80% इनफाइनाइट तक जाना है, अगर कुछ नहीं बोला है इसमें, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ पेंडुलम स्विंग, टोटल डिस्टेंस क्या होगी जब पेंडुलम स्विंग कर रही है, तो आप लोगों को ये दिख रहा है यहाँ पे, देखो कि 80% कम हुआ है ना, फिर यहाँ पे पेंडुलम का बताया गया है, यहाँ पे 80% कम हुआ, यहाँ पे स्क्वायर कम हुआ, यहाँ पे क्यूब कम हुआ, क्यों, 80% प्रीवियस टर्म का 80% कम हो रहा है, प्रीवियस टर्म का 80% कम हो रहा है, प्रीवियस स्विंग का 80% कम हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे एक सीरीज बन गई है, इसका ए इक्वल टू आपको 18 है, आर इक्वल टू आपको 0.8 है गिवन दिया हुआ, तो आप लोगों को क्या करना है, अब सीधा वो आंसर लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, ए अपॉन 1 - आर, फॉर्मूला ही क्यों बता रहे हो भैया, कुछ तरीका बताओ ना, फॉर्मूला मैं प्रूव करके बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, इसलिए मैं फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, गॉट इट, आपका 18 है, 1 - 0.8, 0.8 को आप क्या लिख सकते हो, 0.8 को आप क्या लिख सकते हो, 1/8/10, ठीक है, ये यहाँ पे अगर 0.8 हटाओगे ना तो आप 10 आ जाता है। ठीक है, इस टाइप से समझा करो चीजों को, छोटी छोटी चीजें बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, इसलिए हमेशा समझ के चला करो चीजों को। ओके, और जो चीज नहीं समझ में आया उन उसमें सोचो कि हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, 2/10, 2/10, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो 8/10.2 दैट मीन्स 90, 180/2 हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, 90, और यहाँ पे इंचेस था, इंचेस इंचेस, ओके, इसको आप फीट में कन्वर्ट करोगे ना, इसको आप फीट में कन्वर्ट करोगे, फीट फिट में कन्वर्ट करोगे फीट में, तो आपका क्या आ जाएगा, 90 * फीट कितना होता, 3 point something, या लेट मी चेक 1 सेकेंड, या लेट मी चेक, 1 inches = how many feet, लेट, सो यहाँ पे आप इंचेस से फीट में कन्वर्ट करोगे तो आपका जितना भी आंसर आएगा कैसे आएगा वो मैं चलो आपको बताता हूँ, 1 सेकेंड, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि दैट मीन्स 12 इंचेस में आपका क्या हो जाएगा, 1 फीट, 1 इंच में क्या हो जाएगा, 1 इंच में आपका हो जाएगा 1/12 फीट, तो आपको 90 इंचेस में फाइंड करना है, 90 इंचेस में फाइंड करना है, तो 1/12 * 90 फीट,
90 का आप डिवाइड करो 12 से, 12 7 84, 6.0 12 5 60, दैट मीन्स कि 7.5 फीट। ओके, सो इसके दो आंसर हैं। इसका फर्स्ट आंसर है 90 इंचेस, 90 इंचेस बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद 7.5 फीट, सी, ए और सी इसके आंसर हैं। एक सेकंड में आपको एक कन्वर्जन और डिटेल में, डिटेल नहीं है तो इंचेस, 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस, ये आप लोगों को रिमेम्बर कर लेना है। एक्चुअली मेरे को भी उतना याद नहीं था, इसलिए मैंने नेट पे देखा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सीख रहे हो आप, दैट्स मैटर अलॉट। ओके, सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये होमवर्क का आपका। यहाँ पर दिया क्या गया है, आपको दिया क्या गया है, इफ एन इनफाइनाइट जीपी ऑफ रियल नंबर हैज सेकेंड टर्म एक्स, सेकेंड टर्म आपकी एक्स है, सेकेंड टर्म एक्स एंड सम 4, व्हाट डज एक्स बिलोंग, एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। आप लोग यहाँ पे देखो कि सीरीज है ना डिक्रीज हो रही है, आपकी ना डिक्रीज हो रही है सीरीज। देखो ये पूरा यहाँ पे जो भी एरिया होगा उसका उतना ही कम हो जाएगा, जैसे 1/4 अब सपोज करो 1/4, तो समथिंग। देखो इनफाइनाइट में कैसे बढ़िया सा पैटर्न बन रहा है, एकदम मस्त तरीके से पैटर्न बन रहा है, लास्ट में देख रहे लोग कुछ दिख ही नहीं पा रहा। तो आपको एक क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है, सॉल्व करना है। सॉल्व जरूर करा करो यार, अग्रेसिवली पुश करो अपने आप को, डिमोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। पहले ही मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते हो तो डिमोटिवेशन कुछ नहीं आता। एप्टीट्यूड के इग्नोर मत करो, 15 नंबर का है, ठीक है। और मैं बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके मजा आ गया होगा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली। अगर यहाँ पे डायग्राम हम लोग हटा देते तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होती, बट डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे 0.1 इस पैटर्न जो हटा देता अगर मैं सीरीज का, तो थोड़ा सा और अच्छा रहता, बट नो इशू एट ऑल। आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, सॉल्यूशन को समझा होगा, ये वाला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बताया है मैंने वो भी किया होगा। तो आप लोगों को इसी तरीके से सीखते जाना है। होमवर्क 32 के आई थिंक आंसर मैंने बता ही दिए हैं, फिर भी अगर ना बताया, मेरे को याद नहीं है एक्चुअली, सी या बता रखा है 500 मीटर, सो बता रखा है मैंने आपको आंसर। और अब आपका ये सेशन होता है खत्म, सो डे 33 आपका कंप्लीट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर हार्ड, वर्क हार्ड, रिवीजन करो, सॉल्यूशन लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, सॉल्यूशन लगाओ का नहीं, सॉरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, वीकली क्विज वगैरह लगाओ, सब कुछ करो, अपने एंड से पूरा मेहनत करो। और वो गीता में कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो कर्म करो फल अपने आप मिलेगा, ये ट्रू है एक्चुअली। आप लोग प्रैक्टिकली सोचा करो, आप ऐसे में सोचा करो यार कि क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये चीज प्रैक्टिकली नहीं होती, प्रैक्टिकली आप सोचोगे ना जिस दिन माइंड से, उस दिन पॉसिबल होगी ये चीज, उस दिन ही आपको लगेगा कि ट्रू है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।